बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एट क्लास वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ए सिलेबस इन आवर प्रीवियस लेक्चर सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ लेसन नंबर 3 दैट इज़ ऑन द ओशन समुंदर के ऊपर हमने उसकी लास्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन कर ली थी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन वैसे तो पोएम की बिल्कुल भी सेंटेंसेस नहीं होते हम नहीं करते और क्वेश्चन आंसर्स इज़ ऑल अबाउट समरी और समरी एक्चुअली आपके पेपर्स में नहीं आती सो समरी वैसे भी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ उसको लिखने की ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ लेसन नंबर 3 एंड ऑलमोस्ट इफ़ वी हैव अ टाइम टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर देन वी हैव स्टार्टेड आवर नेक्स्ट लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर आज पेज रेडी करना है ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज ऑफ इंग्लिश ए एंड वी आर गोइंग टू राइट द लेसन नंबर 3 लेसन नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज ऑन द ओशन Okay, after this, we are going to write here the detail. And the detail of our lesson is, as you all know, first of all, we are going to do the words meaning. जो काम हमने करना है सिर्फ हम वही यहाँ पर लिखते हैं words meaning exercise. Okay, जी, these are the two things that we have done of our poem. ओके नाउ लेट वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड डे लगा लेते हैं सो टुडे द डेट इज 8th अगस्त AUGUST अगस्त 8th, 2020 एट द मिड ऑफ द पेज हियर इज गोइंग टू बी राइट क्लास वर्क एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज द डे दैट इज सैटरडे ओके आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक And the topic of today is words meanings. Do your work in a very neat and clean writing aids class and did it in a very mannerable way. आप लोग जानते हैं कि आपके first term के papers होने वाले हैं So first term exam are very important at all. All of you have to be prepared for this. And one more thing, read everything that you that I am going to teach you. जो आपका सिलेबस है वो आपको स्कूल से मिल रहा है ऑल ऑफ यू हैव टू बी देयर फॉर गेटिंग योर सिलेबस अपना सिलेबस देने के लिए आप स्कूल ज़रूर आएँ ताकि आप अपना सिलेबस लेकर अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पेपर आ सकते हैं और जितनी जल्दी आप सिलेबस लेके जाएंगे उतनी जल्दी आपकी अच्छी तैयारी होगी ओके वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं टोटल 12 वर्ड्स मीनिंग है सो वी आर गोइंग टू राइट ड्रॉ द लाइन ऑन 12 लाइन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 ओके नाउ द फर्स्ट वर्ड इज ओशन ओशन का मतलब तो आप सबको आता है यूज योर इंक पेन्स ओशन समुंदर नून एन डबल ओ एन नून दोपहर स्टिक एस टी आई सी के स्टिक चिपकना मोशन एम ओ टी आई ओ एन मोशन हरकत painted 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 तस्वीर में बनाया हुआ बहरी जहाज painted ship पूरा वर्ड लिखे painted ship तस्वीर में बनाया हुआ बहरी जहाज
ओके आफ्टर पेंटेड शेप श्रिंक एस एच आर आई एन के श्रिंक द मीनिंग ऑफ श्रिंक इज सुकड़ना. नेक्स्ट इज ब्लडी बी एल डबल ओ डी वाई ब्लडी मीनिंग ऑफ ब्लडी इज खून जैसा. ब्लड कहते हैं ना खून को तो ब्लडी खून जैसा. मास्ट मस्तूल. ब्रीथ बी आर ई ए टी एच ब्रीथ सांस लेना. आइडल बे हिस्सो हरकत ऐसी चीज़ जो ना सांस ले पा रही हो ना हरकत कर पा रही हो. बोर्ड्स तख्ते तख्ते वो होते हैं ना जो छोटी छोटी कश्तियों के ऊपर छोटे छोटे बोर्ड्स रखे होते हैं उनको तख्ते कहते हैं. ड्रॉप कतरा. अगेन पढ़ते हैं ओशन समुंदर नून दोपहर स्टिक चिपकना मोशन हरकत पेंटेड शिप तस्वीर में बनाया हुआ बहरी जहाज श्रिंक सुकड़ना ब्लडी खून जैसा मास्ट मस्तूल ब्रीथ सांस लेना आइडल बेहिसो हरकत बोर्ड्स तख्ते ड्रॉप कतरा. ओके जी नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और रीड आवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4. इसको हम कर देते हैं क्लोज क्योंकि कॉपी का काम हमारा यहीं तक था. अब हम ओपन करेंगे अपनी कॉपी बुक्स योर बुक ऑफ इंग्लिश ए टेक्स्ट बुक एंड वी हैव टू ओपन लेसन नंबर 4. सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एन एग्जिबिशन. बेसिकली एग्जिबिशन का मतलब होता है नुमाइश. नुमाइश का मतलब कि एक जगह ऐसी मुकर्रर कर दी जाती है जहाँ पर लोग अपनी जमा की हुई चीज़ें या वो जिनमें दिलचस्पी रखते हैं वो सारी चीज़ों का स्टॉल लगाते हैं दुकानें लगाई जाती हैं ताकि दूसरे लोग आकर अगर उनको ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद भी सकते हैं मुनासिब कीमत में या अगर वो चाहते हैं कि उनको देखें तो वो उनको मुख्तलिफ चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं. सो चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट एन एग्जीबिशन. बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है लाइक एक डायलॉग भी है. एग्जीबिशन का मतलब लिखते हैं नुमाइश. एन एग्जीबिशन एक नुमाइश. एक नुमाइश. ओके रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. उससे पहले उन्होंने कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि ये चैप्टर करने के बाद पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो लिखा हुआ आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इट्स क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है. और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ जब परफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है. लेकिन अगर परफेक्ट के साथ कॉन्टीन्यूस आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है. और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इज़ बेसिकली अबाउट कोई भी टाइम पीरियड जस्ट लाइक 2 माह पहले फिर 9 बजे से या 4 बजे से इस तरह जब कोई टाइम दे दिया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो जाता है. अब अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो बेसिकली ये प्रेजेंट की बात हो रही है आज के दौर की बात हो रही है. तो यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स मैं आपको बताती चलूँ वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर. सिंस या फॉर बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है जब कोई टाइम पीरियड आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया जाता है लाइक कल रात से दोपहर से सुबह से 4 बजे से 8 बजे से या कोई डेट दे दी जाती है 1997 से या 1920 से तो वो वहाँ पर सिंस लगता है. लेकिन जब आपको टाइम का नहीं पता होता लाइक 2 माह से 3 दिन से तो तब आप वहाँ पर फॉर यूज़ करते हैं. ठीक है ये दो चीज़ें होती हैं जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यूज़ होती हैं जो चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है.
उसके बाद बात हो रही है यूज़ फॉर एंड सिंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। फॉर हमेशा ऐसे चीज़ के लिए होता है जिस पर हमें टाइम का नहीं पता होता, और सिंस हमेशा उसके लिए यूज़ होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर टाइम मौजूद होता है। रिकोगनाइज एंड यूज़ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लाइक वोकेबलरी के वर्ड्स जो आपको, जिनका मीनिंग आप नए तरीके से याद करेंगे या नए तरीके से जानेंगे। आइडेंटिफाई एंड यूज़ आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स एट क्लास तीन तरह के होते हैं। जब जब ये चीज़ आएगी मैं तब तब आपको बताऊँगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, लाइक आ, एन एंड द। तीन आर्टिकल्स होते हैं। द हमेशा स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो कि बहुत खास चीज़ होती है। आ हमेशा एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, और एन हमेशा वोवल्स के साथ यूज़ होता है, दैट इज़ ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स ए बी सी में मौजूद हैं उन सब के साथ आ यूज़ होता है, ये एक चीज़ याद रखें। और अगर ए ई आई ओ यू को आप वोवल्स कहते हैं तो बाकी जितने भी ए बी सी में अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको कंसोनेंट्स कहते हैं, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस, कंसोनेंट्स। ठीक है जी, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक होते हैं वोवल्स जिनके साथ एन यूज़ होता है, और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कंसोनेंट्स कहते हैं जिनके साथ आ यूज़ होता है। प्री रीडिंग में लिखा हुआ उन्होंने, व्हाट इज़ एन एग्जीबिशन, नुमाइश क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं नुमाइश क्या होती है? वो तो मैंने वैसे आपको शुरू में ही बता दिया कि नुमाइश क्या होती है। मैंने आपको भी बताया था कि नुमाइश एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ें रखी जाती हैं और लोगों को उसको दिखाया जाता है, और अगर वो कुछ लोगों को पसंद आए तो वो उनको खरीद, अच्छे दामों में ख़रीद भी लेते हैं, और जो वहाँ पे दिखा रहे होते हैं वो उनको बेचना भी पसंद कर लेते हैं उस टाइम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द एग्जीबिशन, आप एग्जीबिशन में क्या देखते हैं? तो वो क्या, हमें पता है कि हम एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक तस्वीरें भी होती हैं, फिर कुछ चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं लाइक पुरानी चीज़ें, हाथ से काम किया हुआ, लोग मिट्टी के बर्तन बना के वो भी दिखाते हैं। नुमाइश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ डू यू डिफाइन हॉबी, आप हॉबी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि हॉबी क्या होती है? बेसिकली देखें, एट क्लास आपकी भी हॉबी होती होगी। हॉबी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप फारिग वक्त में करना पसंद करते हैं। तो अगर आप कभी भी फारिग हो तो आप चाहेंगे कि ये आप काम करें। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो माय हॉबी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो नॉवल, स्टोरी बुक्स या न्यूज़पेपर्स मेरी हॉबी है कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। जब भी मैं फारिग होती हूँ तो मैं किताबें ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे मेरा टाइम स्पेंड होता है। उसके अलावा और कोई काम मेरे पास, मुझे पसंद नहीं होता फारिग वक्त में करना। ठीक है, सो एक तो बुक्स पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सी नई मालूमात मिलती हैं, एंड सेकेंडली आपका टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड होता है। बहुत सी नई स्टोरीज़ आप दिमाग में आपके आ जाती हैं, बहुत से नए तरीक़ेकार आप सीख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती होगी। तो मेरी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स है। आपकी जो हॉबी है वो आप बता सकते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आपको कोई नई चीज़ बतानी हो आप उसकी एक छोटा सा क्लिप वीडियो बनाएं, ताकि मैं उसको देखूँ भी और मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड भी करूँ, और आपको, आपका अंदाज़ा भी हो कि आपको कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। स्टार्ट करते हैं जी हमारा लेसन नंबर फोर। इट्स अ टाइप ऑफ डायलॉग की तरह है, जैसे हमने एक डायलॉग पिछले लेक्चर में भी, लेसन नंबर टू में भी पढ़ा था, उस तरह की है। बेसिकली दो लोगों के या तीन लोगों के दरमियान, एक क्लास और एक टीचर के दरमियान ये एक डायलॉग है, एक स्टोरी है। मिस्टर काजी वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास। मिस्टर काजी जो इस लेसन में, मिस्टर काजी जो हैं वो एक टीचर हैं, वो अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे। क्लास का मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वो पूरी बिल्कुल ट्रांसलेशन की तरह होती है। तो क्लास का मतलब जमात, स्टैंडिंग खड़े थे, बिफोर सामने, मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क, डिड यू इंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे। मिस्टर काजी ने पूछा, क्या तुम कल की नुमाइश से लुत्फंदोज हुए? डिड यू इंजॉय लुत्फंदोज यस्टरडे, कल। एग्जीबिशन का मतलब आपको पता है नुमाइश। क्या तुम कल की नुमाइश से लुत्फंदोज हुए? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस। ऑल हैंड्स, तमाम हाथ, वेंट अप ऊपर उठ गए, टू से यस हाँ कहने के लिए, हाँ कहने के लिए तमाम हाथ ऊपर उठ गए, वेंट अप ऊपर उठ गए। गुड,
बहुत अच्छे, सेड मिस्टर काजी, मिस्टर काजी ने कहा। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा अकबर? मिस्टर काजी अब अकबर से पूछ रहे हैं कि नुमाइश में तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हुआ हो गया एंड सेड और कहा, आई लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा तस्वीरों को पसंद किया। पेंटिंग्स तस्वीरें। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी। लुक्ड अब सेकेंड फॉर्म है तो थी, देती थी। वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स, तुम्हें तस्वीरें, तुमने तस्वीरों को क्यों पसंद किया? अब देखिए, एक आप हैं, जैसे आपको एक चीज़ पसंद आती है, आपको इसलिए पसंद आती है ना क्योंकि आप उस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं, तो इसीलिए उसने उससे पूछा कि तुमने तस्वीरों को ही क्यों पसंद किया, वहाँ पर और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अकबर कहता है आगे से, पेंटिंग इज़ माई हॉबी, मुसव्वरी, पेंटिंग का मतलब लिखे मुसव्वरी, मीन स्वाद वाओ रे छोटियरी, मुसव्वरी, मुसव्वरी मेरा मशगला है, हॉबी का मतलब होता है मशगला। एंड आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन, और मेरे पास तस्वीरों से बना हुआ एक अच्छा खासा ज़खीरा है। कलेक्शन का मतलब लिखे ज़खीरा, कि मेरे पास अपनी बनाई हुई बहुत सी ज़्यादा पेंटिंग्स मौजूद हैं। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट, रिजवान खड़ा हो गया, अगला रिजवान खड़ा हो गया या इसके बाद रिजवान खड़ा हुआ। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मैंने चट्टानों को बहुत पसंद किया। रॉक्स का मतलब लिखें चट्टाने। मैंने चट्टानों को बहुत पसंद किया। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, आप जानते हैं कि मैं भी चट्टाने जमा करता हूँ, कलेक्ट जमा करना। I have been doing so since my childhood, मैं बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। It is my hobby but the rocks there I had never seen before, ये मेरा मशगला है लेकिन मैंने इससे पहले इस तरह के पत्थर कभी नहीं देखे। Never seen, कभी नहीं देखे। मिस्टर काजी appreciated, 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 मिस्टर काजी ने तारीफ की। appreciated का मतलब लिखें तारीफ़ करना। मिस्टर काजी ने तारीफ़ की। रिजवान रिस्पॉन्स, रिजवान के जवाब की, रिस्पॉन्स जवाब। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब की तारीफ़ की। द रिएक्शन इज़ दैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन, द रीज़न इज़ दैट, वजह ये थी कि द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड केम कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो नुमाइश में पत्थर या चट्टाने रखी गई थी वो पूरी दुनिया से लाई गई थी। एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस, प्रोबेबली का मतलब लिखे तकरीबन, ऐसे लिखते हैं तकरीबन, और जो आपके पास ज़खीरा है वो आपके अपने घर के इर्द गिर्द या करीब से, तकरीबन करीब से जमा किया हुआ है। Everybody in the class said one thing or the other. जमात के सब लोग, हर कोई कोई ना कोई बात की, जमात के हर बंदे बच्चे ने कोई ना कोई बात की। But the one boy said mum all the time. मगर एक लड़का सारा वक्त खामोश रहा। Mum, खामोश। He had not uttered a word all this while. उसने सारे वक्त में एक भी लफ्ज़ ना बोला या एक भी बात ना की। Uttered, ना बोलना। What's wrong with you today, Salim? Salim, क्या बात है, आज तुम्हें क्या हुआ है? Said Mr. Qazi to this boy. Mr. Qazi ने उस लड़के से पूछा। You have not spoken today. आज आपने कोई बात नहीं की। Didn't you like anything in the exhibition? क्या तुम्हें नुमाइश में कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई? सलीम ने कहा, Sir, I have been collecting stamps for quite some time. मैं कुछ अरसे से stamps, टिकटें, मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा कर रहा हूँ।
एंड आई डिडेंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मैंने नुमाइश में कोई टिकटें नहीं देखी। देखिए, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ख़त का ज़माना था, अब तो मैसेजेस आ गए हैं, तो जब ख़त भेजे जाते थे किसी को तो उस ख़त के ऊपर टिकट्स लगाई जाती थी उस जगह की जिस जगह से वो ख़त जा रहा है। अगर तो कंट्री के अंदर ही कहीं पर ख़त जाता था तो उस शहर की टिकट लगाई जाती थी, लेकिन अगर कंट्री से बाहर जाता था तो उस कंट्री की टिकट लगाई जाती थी। तो ये जो बच्चा है ये टिकट्स कलेक्ट करता है, और वहाँ पर उसने उस एग्ज़िबिशन में कोई भी टिकट्स वाला कोई स्टॉल नहीं देखा। मिस्टर काजी सेड यस यू आर राइट, मिस्टर काजी ने कहा हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, देर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ पर टिकटों का कोई भी स्टॉल नहीं था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत ही मशहूर मशगला है या बहुत ही दिल अजीज़ हर दिल अजीज़ मशगला है। मिस्टर काजी सेड आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज, एवरीबडी लुक्ड एंग्शियस, हर कोई बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई देता था। एंग्शियस, हैरान। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, चले आइए स्कूल में एक नुमाइश लगाते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ऑन कलेक्शन, और हर कोई अपनी जो जमा किया हुआ ज़खीरा लेकर आएगा। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प, सलीम आप अपनी टिकटें ला सकते हैं, लाएंगे। विल यू, क्या आप लाएंगे? यस सर, सेड सलीम, सलीम ने कहा जी सर। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ़ दे हैड अ हॉबी, मिस्टर काजी ने फिर जमात से पूछा क्या उनका उनकी कोई इस तरह का मशगला है, क्या आपका कोई मशगला है? सादिक, सादिक ने कहता आगे से, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, जनाब मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता रहा हूँ। ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमा, मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करता हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपने तस्वीरों की जमा ज़खीरा लेकर आऊँगा। आसिफ, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, आसिफ कहता है सर मैं सिक्के जमा कर रहा हूँ। आई देम ब्रिंग देम, मैं लेकर आऊँगा उन्हें भी। सम ऑफ दीज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ सिक्के बहुत ज़्यादा नायाब हैं। रेयर का मतलब होता है नायाब। शिराज, शिराज कहता है सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, मैं दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड जमा कर रहा हूँ। आई ब्रिंग दोस्त, मैं वो लेकर आऊँगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, असलम कहता है मैं समुंदरी घोंगे जमा कर रहा हूँ। समुंदरी घोंगे, शेल्स को घोंगे कहते हैं। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ बीन अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन की एक बहुत बड़ी गुड़ियों का बहुत बड़ा ज़खीरा है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़ एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, वो दूसरे मुल्कों से भी गुड़ियाँ जमा करती रही है और वो खुद भी गुड़ियाँ बनाती रही हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दीज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं इस नुमाइश पर उनमें से कुछ गुड़ियाँ भी लाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा। मिस्टर काजी से, मिस्टर काजी ने कहा इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब। अपीयर्स, जाहिर होता है, ऐसा जाहिर होता है कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऐसा दिखाई देता है कि अब तब सब कुछ ठीक हो गया है। सेट नाउ, तैयार है, हर चीज़ तैयार है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन, मेहरबानी करके अगली जुमेरात को नुमाइश के लिए अपना ज़खीरा स्कूल में लाएं। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, अपने वालदैन, पेरेंट्स, वालदैन, रिश्तेदार और दोस्तों को इस नुमाइश में दावत देना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट, ना मत भूलिएगा टू इनवाइट, दावत देना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियाँ बजाईं। क्लैप्ड, तालियाँ बजाना। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्होंने स्कूल नुमाइश के ख्याल को पसंद किया। ओके जी, दिस इज़ ऑल आवर लेसन दैट वी आर गोइंग टू रीड, हमने ये सारा लेसन कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेसन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू दी एक्सरसाइज एंड आवर वर्ड्स मीनिंग्स सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।